हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है फाइल फॉर्मेट। फाइल फॉर्मेट क्या होता है इन मल्टीमीडिया? लेट मी स्पेसिफाई, हियर इज मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया में फाइल फॉर्मेट क्या होता है? बेसिकली हम जो कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्म में एक किसी भी डेटा को सेव करते हैं तो वो एक फ़ाइल के फॉर्म में सेव करते हैं, और उन फाइल्स को हम फोल्डर में सेव करते हैं। आई गेस थोड़ा बहुत कंसेप्ट आपको फाइल के बारे में पता होगा। तो बात करते हैं फाइल फॉर्मेट की। तो फाइल फॉर्मेट इज़ अ स्टैंडर्ड वे, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, फाइल फॉर्मेट इज़ अ स्टैंडर्ड वे दैट इन्फॉर्मेशन इज एनकोडेड फॉर स्टोरेज इन अ कंप्यूटर फाइल। कंप्यूटर फाइल से सेंस है कि हम डिजिटल फॉर्म में कोई भी इंफॉर्मेशन सेव कर रहे हैं। और बेसिकली कोई फाइल है तो उसका जो डॉट के बाद कुछ दो तीन लेटर्स लिखे होते हैं जिसको हम एक्सटेंशन बोलते हैं, बेसिकली वही डिफाइन करता है कि इसका फाइल फॉर्मेट क्या है। तो फाइल फॉर्मेट एक ऐसी संरचना है जो प्रोग्राम को बताती है कि इसके कंटेंट कैसे शो करने हैं। फाइन, तो यहाँ पे कुछ टाइप्स ऑफ फाइल फॉर्मेट, मैंने एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पे बनाया हुआ है। टाइप्स ऑफ फाइल फॉर्मेट कितने तरह के, जितने भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं मल्टीमीडिया में, लाइक इमेज फाइल फॉर्मेट, ऑडियो फाइल फॉर्मेट, वीडियो फाइल फॉर्मेट, टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट, तो ये अभी चार तरह के फाइल फॉर्मेट होते हैं जो हम बेसिकली मल्टीमीडिया में पढ़ेंगे। तो इस फाइल फॉर्मेट में जब वन बाय वन, ये इनके एग्जाम्पल्स हैं वीडियो फाइल फॉर्मेट के लिए, टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट के लिए, ये सब एग्जाम्पल हैं इसके लिए। तो हमें तीन या चार बातें ध्यान में रखनी है कि जब हम इनके ये एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। एक तो हमें इसका फुल नेम पता होना चाहिए, फाइन। फिर इसका एक्सटेंशन हमें पता होना चाहिए। थर्ड है कि विच टेक्निक is used to compress the data, कि ये जो फाइल फॉर्मेट है इनमें डेटा को कंप्रेस करने के लिए कौन सी टेक्निक का यूज़ किया जा रहा है, लॉसी कंप्रेशन टेक्निक का यूज़ किया जा रहा है या लॉसलेस कंप्रेशन टेक्निक का यूज़ किया जा रहा है, फाइन। एंड द लास्ट थिंग इज एप्लीकेशन, एप्लीकेशन या यूज या फील्ड ऑफ यूज़ इसका। और एक और चीज़ हम जान सकते हैं कि कलर स्कीम, कलर स्कीम और फाइल साइज। तो ये कुछ पैरामीटर हैं जिनके बेसिस पे हम इमेज फाइल फॉर्मेट, ऑडियो वीडियो एंड टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, फाइन। तो अभी शॉर्ट में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इमेज फाइल फॉर्मेट जो होता है, अभी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था, दो तरह का होता है इमेज, बिटमैप इमेज और वेक्टर इमेज। इसका एक पूरा वीडियो हमने अपलोड किया हुआ है, आप मेरे प्रीवियस वीडियो में चेक कर सकते हैं। उसमें 15 से 16 डिफरेंस हमने बिटमैप इमेज और वेक्टर इमेज के किए हुए हैं। फिर वीडियो फाइल फॉर्मेट, वीडियो जो होता है वो भी हमारा दो तरह का होता है, एक डिजिटल और एक एनालॉग। टेक्स्ट फाइल क्या होती है, टेक्स्ट फाइल क्या होती है, जो हम डिजिटली फॉर्म में जो हमारा टेक्स्ट लिखा होता है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं उसके अंदर, वो हमारी टेक्स्ट फाइल होती है। वीडियो फाइल जिसमें हमारे पास मूवमेंट ऑफ पिक्चर्स होते हैं वो हमारी वीडियो फाइल फॉर्मेट होगी। ऑडियो फाइल्स कौन सी होती हैं, जिसमें सिर्फ साउंड सॉन्ग्स होते हैं हमारे पास, वो होंगे वो आर्टिफिशियली MIDI भी हो सकते हैं और डिजिटल साउंड भी हो सकते हैं। इसी तरीके से इमेज है, इमेज में इमेज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं इमेज फाइल फॉर्मेट से। तो फर्स्ट है हमारा इमेज फाइल फॉर्मेट। इमेज हमारी दो तरह की होती है, जो हम एक प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी उनका डिफरेंस पढ़ चुके हैं, बिटमैप इमेज और वेक्टर इमेज। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इमेज फाइल फॉर्मेट स्टैंडर्डाइज्ड मींस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग डिजिटल इमेज। जो डिजिटल इमेज है उनको स्टोर करने और ऑर्गेनाइज करने का एक स्टैंडर्ड है जो फाइल फॉर्मेट है हमारा। और फाइल फॉर्मेट में स्टोर डेटा इन एन अनकम्प्रेस्ड फॉर्मेट, अ कंप्रेस्ड फॉर्मेट और अ वेक्टर फॉर्मेट। जो हमारा इमेज फाइल फॉर्मेट है उनको अनकम्प्रेस्ड फॉर्मेट में या कंप्रेस्ड फॉर्मेट में या फिर वेक्टर फॉर्मेट में हम इसको स्टोर कर सकते हैं।
अब कंप्रेस में मैंने लॉसी और लॉसलेस लिखा है। जब हम अपने इमेज को कंप्रेस करते हैं या उसका साइज कम करने की कोशिश करते हैं, तो उनके लिए जो टेक्निक यूज हम करते हैं वो लॉसी कंप्रेशन टेक्निक और लॉसलेस कंप्रेशन टेक्निक कहलाती है। तो लॉसी कंप्रेशन टेक्निक में क्या होता है, जिसमें हम इमेज को कंप्रेस करते हैं और उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्टर्ब हो जाती है या इन्फॉर्मेशन लॉस हो जाती है, जबकि लॉसलेस कंप्रेशन टेक्निक में इमेज को जब कंप्रेस किया जाता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन, जितनी इन्फॉर्मेशन ओरिजिनल इमेज में थी उतनी ही कंप्रेस करने के बाद उसमें होती है। फाइन, तो फर्स्ट फॉर्मेट है हमारे पास टिफ। अभी प्रीवियस मैंने बताया था कि क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, तो वही वन बाय वन सिक्वेंशली हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म है टैग इमेज फाइल फॉर्मेट, और इसका एक्सटेंशन क्या है, डॉट TIFF, डॉट टिफ इसका एक्सटेंशन है। ओके, तो दो पॉइंट हो गए हमारे यहाँ पे क्लियर। थर्ड है मे और मे नॉट बी कंप्रेस्ड यूजिंग लॉसलेस कंप्रेशन टेक्निक। इसको कुछ जगह अगर आप देखेंगे तो इसको अनकंप्रेस्ड बोला गया है कि अनकंप्रेस्ड रहती है ये इमेज, लेकिन अभी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारी बढ़ती रहती है, जो टिफ होती है हमारी, वो उसको हम कंप्रेस कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते लॉसलेस कंप्रेशन टेक्निक को यूज़ करके। ओके, नेक्स्ट इज फाइल साइज इज लार्जर देन JPEG। जो JPEG हमारी एक इमेज फाइल फॉर्मेट होता है, उससे ज़्यादा इसका साइज होता है टिफ फाइल फॉर्मेट का, क्योंकि ये लॉसलेस कंप्रेशन टेक्निक का यूज़ करते हैं। इसमें इन्फॉर्मेशन जो ओरिजिनल इमेज होती है उसमें लॉसलेस होती है, अगर हम उसे कंप्रेस करेंगे, नहीं करेंगे तो ओरिजिनल कंटेंट रहेगा ही रहेगा। ओके, तो इसलिए इसका जो साइज है वो लार्ज होता है टिफ फाइल फॉर्मेट का। नेक्स्ट है एक्सट्रीमली फ्लेक्सीबल। नेक्स्ट यूज इन डेस्कटॉप पब्लिशिंग या प्रिंटिंग के लिए, हम लोग पब्लिशिंग और प्रिंटिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि जब इसको इमेज को स्ट्रेच किया जाएगा तो इसकी जो डिटेल्स हैं वो बनी रहती हैं। नॉट सपोर्टेड बाय ऑल ब्राउज़र, ये मेन जो इसको कहेंगे, तो ये भी इसके साइज़ के लिए ही है और ये भी इसके साइज़ की हेल्प से ही है, क्योंकि इसका साइज़ बहुत बड़ा होता है तो हर एक ब्राउज़र के लिए सपोर्टेड नहीं होता है। फाइन, इनको लोड करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अभी JPEG फाइल फॉर्मेट। JPEG की फुल फॉर्म है जॉइंट पिक्चर, जॉइंट पिक्चर एक्सपोर्ट, जॉइंट पिक्चर एक्सपोर्ट ग्रुप, या जॉइंट पिक्चर कह लीजिए या जॉइंट फोटोग्राफ भी कह सकते हैं हम इसको। ओके, इसका जो एक्सटेंशन होगा वो डॉट JPG या फिर डॉट JPEG, आप अपने कंप्यूटर में चेक कर सकते हैं। कोई भी इमेज अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको फाइल फॉर्मेट कुछ का JPG और कुछ का JPEG मिलेगा, और अगर आपने कहीं फॉर्म फिल किया होगा तो उसमें भी लिखा होता है, मेंशन होता है कि डॉट JPG एक्सटेंशन वाली इमेज ही आपको अपलोड करनी है, डॉट PNG वाली आपको इमेज लोड करनी है। अभी पता चलेगा आपको क्यों होता है वो। फर्स्ट पॉइंट है इट इज़ कंप्रेस्ड फाइल फॉर्मेट एंड यूजिंग लॉसी कंप्रेशन टेक्निक। ये क्या है, कंप्रेस फाइल फॉर्मेट है, और जब हम इसे कंप्रेस कर रहे हैं, कंप्रेस मतलब साइज कम कर रहे हैं, तो क्या होगा, इसका साइज भी स्मॉल हो जाएगा। ओके, क्योंकि लॉसी कंप्रेशन टेक्निक का यूज़ करें तो इसमें क्या है कि थोड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन वो अपनी लॉस कर देता है, जो इमेज ओरिजिनैलिटी है वो थोड़ी सी इसमें डिग्रेड हो सकती है, क्योंकि लॉसी कंप्रेशन टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं। तो ये साइज में स्मॉल होती है देन दी GIF। नेक्स्ट पॉइंट है कैन बी स्मॉल
by compression but contain lot of information about image. Can be small in size. Can be small in size but compression by compression but contain lot of information about image. अभी ये जो पढ़ा हमने लॉसी कंप्रेशन टेक्निक का यूज़ करते हैं तो साइज़ में कम होती है ये, तो हो सकता है कि साइज़ में कम हो कंप्रेशन टेक्निक यूज़ करने के बाद, लेकिन इसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन कंटेन करके रखता है. अगर बहुत माइनर सी या निग्लिजिबल इन्फॉर्मेशन इसमें लॉस होती है इसको कंप्रेस करने के बाद. सुटेबल फॉर फोटोग्राफ, आप कोई भी नॉर्मल कैमरा से, डिजिटल कैमरा से कोई भी इमेज क्लिक करते हैं वो बैड वो डॉट जेपीजी ही होती है, तो दैट इज़ वाई सुटेबल फॉर फोटोग्राफ. सपोर्ट बाय ऑल ब्राउज़र, आप किसी भी ब्राउज़र पे क्लिक करके देखेंगे तो जेपीजी इमेजेस वो उसको सपोर्ट करती हैं. आप नेक्स्ट 24 बिट कलर स्कीम को ये फॉलो करता है, तो इसमें जो कलर कॉम्बिनेशन हम लोग जो जनरेट कर सकते हैं, 24 कलर्स होते हैं क्योंकि, तो थाउजेंड्स ऑफ कलर हम इनकी हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं. ओके तो नेक्स्ट है हमारे पास GIF. GIF की फुल फॉर्म क्या होगी? ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट. ओके एंड एक्सटेंशन होगा इसका .gif. एक चीज़ छोटी सी बस ध्यान रखने वाली है कि जो भी हमने स्टार्टिंग में चार्ट पढ़ा था टाइप ऑफ फाइल फॉर्मेट, उनमें जो भी मैंने उसमें एग्जाम्पल्स में लिखे थे उनके उन नाम के आगे सिर्फ डॉट लगा दीजिए, एक दो को छोड़ के, वही वो उनके एक्सटेंशन ही होते हैं. जैसे हम जिप फाइल पढ़ रहे हैं इसका फुल फॉर्म तो ये हुआ लेकिन इसका एक्सटेंशन .gif ही होगा. ओके तो फर्स्ट पॉइंट है इट इज़ कंप्रेस्ड फाइल फॉर्मेट यूजिंग लॉसलेस कंप्रेशन टेक्निक. ये कंप्रेस इसको, इसमें क्या होता है कि हम फाइल को कंप्रेस कर सकते हैं और इसमें लॉसलेस कंप्रेशन टेक्निक का यूज़ होता है. तो ये या तो आप एक पॉइंट में लिख सकते हैं, दो पॉइंट अलग अलग भी बना सकते हैं. नेक्स्ट लार्ज फाइल साइज, इसमें क्योंकि जब हम इमेज को कंप्रेस कर रहे हैं तो इमेज में कोई भी लॉस नहीं हो रहा, तो लार्ज फाइल साइज. सपोर्ट बाय ऑल ब्राउज़र, सभी ब्राउज़र को सपोर्ट करता है ये. सुटेबल फॉर टेक्स्ट आर्टवर्क आइकन्स एंड एनिमेशंस. जो GIF है हमारा वो ग्राफिकल इंटरचेंज, आपने बहुत सारे अभी रिसेंट आपके फ़ोन में भी बहुत सारे GIF होते हैं, उसमें टेक्स्ट भी इधर से उधर मूवमेंट करते रहते हैं. कुछ एक आप खुद का GIF भी क्रिएट कर सकते हैं. आइकन्स होते हैं वो ब्लिंक करते रहते हैं. एनिमेशंस छोटे छोटे एनिमेशंस होते हैं, उनका साइज़ जो पिक्चर से जो जो हमारी इमेज होती है उसे थोड़ा सा बड़ा होता है GIF का, क्योंकि उसमें एक छोटा सा मूवमेंट होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट. तो सुटेबल फॉर टेक्स्ट आर्टवर्क आइकन एंड एनिमेशन. नेक्स्ट है सपोर्ट 8-bit कलर. बहुत ज़्यादा कलर से हम नहीं जनरेट कर सकते हैं, 8-bit कलर स्कीम का यहाँ पर यूज़ होता है. नेक्स्ट है PNG. PNG इज स्टैंड्स फॉर पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स ग्राफिक, और इसका फॉर्मेट होगा .png. सो वन बाय वन डिस्कस करते हैं. फर्स्ट पॉइंट है यूज लॉसलेस कंप्रेशन टेक्निक. लॉसलेस कंप्रेशन टेक्निक का यूज करता है. क्रिएट स्मॉलर इमेज साइज देन GIF एंड PNG. लॉसलेस कंप्रेशन टेक्निक का तो यूज़ कर रहा है लेकिन जिफ और JPEG से जो फाइल का साइज़ है वो स्मॉल रहता है. ओके नेक्स्ट पॉइंट नॉट सपोर्टेड बाय ऑल ब्राउज़र. नेक्स्ट नॉट सुटेबल फॉर कार्टून्स एंड एनिमेशन, क्योंकि जो फाइल का साइज़ है वो बहुत कम होता है और जो हमारे कार्टून्स और एनिमेशन होते हैं उनमें हमें जो पिक्चर या इमेजेस हमारी होती हैं क्योंकि सीक्वेंस हमें शो करना होता है वहाँ पे बहुत सारी इमेजेस का, तो उसमें जो पिक्चर क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर सुटेबल नहीं है कार्टून और
एनिमेशन के लिए. यस, यूज फॉर वेब इमेजेस. वेब इमेजेस में क्या है कि हम उनको अगर थोड़ा सा स्ट्रेच करके भी देख रहे हैं, अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करके देखेंगे तो वो थोड़ा ब्लर इमेज आ जाती है. लेकिन तो वेब यूज, वेब इमेजेस के लिए, क्योंकि उसमें लोड कर रहे हैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो वेब इमेजेस के लिए ये सुटेबल है. नेक्स्ट, अलाउ फुल रेंज ऑफ कलर एंड बेटर कंप्रेशन. फुल रेंज ऑफ कलर मीन्स 24 कलर्स इसमें यूज़ करते हैं. तो इसमें बहुत सारे इनके कलर के कॉम्बिनेशन से नंबर ऑफ कलर्स हम जनरेट कर सकते हैं. तो इससे जब हमारे पास नंबर ऑफ कलर्स बहुत ज़्यादा होंगे तो उसकी इमेज की जो क्वालिटी है वो भी थोड़ी बनी रहेगी, भले ही उसका साइज़ बहुत कम हो. ओके, तो 24 कलर स्कीम का यूज़ करता है और बेटर कंप्रेशन होता है. नेक्स्ट है, अभी हमने ये डिस्कस करने से हमारा रह गया था, लेट मी, यस आई होप इट्स विजिबल टू यू ऑल स्टूडेंट्स. यस, ओके, रॉ इमेज फाइल क्या होती है? फर्स्ट पॉइंट है हमारा, इट कंटेन डेटा फ्रॉम डिजिटल कैमरा. जो भी हमारा डिजिटल कैमरा होता है उससे जो भी कैप्चर किया जाता है वो हमारी रॉ इमेज फाइल होती है. फिर ये वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा दैट इज़ अनकंप्रेस्ड. अगर हम नॉर्मल कैमरा से अपनी इमेजेस कोई भी कैप्चर कर रहे हैं वो भी फ़िलहाल अनकंप्रेस्ड फॉर्म में है, तो ये बहुत ज़्यादा, अगर आप नॉर्मल अभी कैमरा से देखेंगे तो कुछ इमेजेस ऐसी होती हैं कि हाई डेफिनेशन की होंगी, वो 2-3 MB की इमेजेस होंगी, या जो डिजिटल कैमरा होता है हमारा वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है तो उससे बहुत जो आपका पिक्चर का साइज़ होगा वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, मतलब 3-4 MB तक का भी हो सकता है फाइल साइज़. दैट्स वाई फाइल साइज इज एक्सट्रीमली लार्ज, क्योंकि अनकंप्रेस्ड होता है. नेक्स्ट है, इट शुड बी कन्वर्टेड टू टिफ फॉर बेटर एडिटिंग एंड कलर करेक्टिंग. तो जो रॉ इमेज है हमारी, तो अभी तक जितनी भी हमने पढ़ा था वो टिफ हमने सबसे पहले पढ़ा था, तो बेटर है कि इसको कन्वर्ट कर दिया जाए टिफ में फॉर बेटर एडिटिंग एंड कलर करेक्टिंग स्कीम में. तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी इमेज फाइल फॉर्मेट. इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ऑडियो फाइल फॉर्मेट क्या होते हैं.